आज हमने आपके लिए इस बारिश के मौसम के हिसाब से एक ऐसी टॉपिक चुनी है जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सभी आज के टॉपिक को ध्यान दें। आज का टॉपिक है, हमने चुना है बारिश के मौसम में बीमारियों से कैसे बचें। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जाने बीमारियां क्या होती। बीमारी जब हमारे शरीर की जो सामान्य दशा होती है, उसमें यदि किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाए, कोई कमी आ जाए, तो हम कहते हैं कि बीमार हो गया व्यक्ति या इसे रोग हो गया। और जिन कारणों से हम बीमार होते हैं उन्हें रोग का कारक कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। हम बीमार हो जाते हैं, सामान्य दशा में कोई कमी आ जाती है, विकार उत्पन्न हो जाता है, और ये विकार किसी न किसी कारण से होता है जिसे हम रोग का कारक कहते हैं। तो हम वर्तमान जो ज्वलंत समस्या है, बारिश का मौसम आते ही बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं, यहाँ तक कि बुखार बहुत तेजी से चलता है। और इनमें तो कुछ ऐसे भी बुखार इन दिनों आते हैं जो जानलेवा साबित होते हैं, जैसा कि इंसेफ्लाइटिस का नाम सुना है, दिमागी बुखार का नाम आपने सुना होगा। तो हम आज बड़े संक्षिप्त रूप में आपको इनसे बचने के उपाय बताएंगे। तो सबसे पहला उपाय है कि आप स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। स्वच्छता मतलब सफाई पर, खुद की सफाई पर, घर के वातावरण, घर के अंदर की सफाई पर, और आसपास के वातावरण की सफाई पर, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उसमें भी सफाई पर ध्यान दें। अब आप खुद की सफाई कैसे करेंगे? समय समय पर हाथ धोते रहें, खाने से पहले, खाने के बाद, शौच के बाद। खाने से पहले हाथ धोना है, खाने के बाद भी हाथ धोना है अच्छी तरीके से, और शौच के बाद भी भली भांति अच्छी प्रकार से आपको साबुन से, हैंड वॉश से, आपको जो आपके पास उपलब्ध है उससे आपको अच्छी प्रकार से हाथ की धुलाई करनी है। आप सोचेंगे हाथ की धुलाई पे विशेष जोर क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, हाथ का संपर्क हमारे कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं तो हाथ की मदद से करते हैं, क्योंकि उन्हीं हाथों से हम खाना खाते हैं, आँख पे लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, तो हाथों का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो ये हमारे हाथ इन्फेक्टिव ना हो, इन्फेक्शियस ना हो, इनमें जो कोई रोग के अणु चिपके हों उसको हाथ से भली भांति धुलाई करते हैं तो वो दूर हो जाते हैं, फिर वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो पहला बात हमने क्या बताया? स्वच्छता। स्वच्छता में सबसे पहली बात क्या बताई? हाथों की सफाई, हाथों की धुलाई, ठीक है। अब दूसरी बात, इन दिनों आप देखते हैं बारिश से जगह जगह पानी जमा हो जाता है, तो आपको क्या करना है? पानी को कहीं, दूसरी बात, पानी को, जल जमाव कहीं भी नहीं होने देना है। मतलब अपने घर में आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। क्यों? क्योंकि पानी जमा होगा तो उसमें मच्छर पनपेंगे, और मच्छर पनपेंगे तो वो मच्छर आपके लिए घातक बीमारियों, सामान्य जो बुखार है उसका कारण तो बनते ही बनते हैं, घातक से घातक बीमारियों का भी कारण बनते हैं। तो दूसरी बात क्या है? कहीं भी पानी जमा न होने दें। अब कहेंगे फ्रिज कूलर, हाँ फ्रिज कूलर का पानी आप समय समय पर बदलते रहें। गंदे पानी की बात तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ के साथ स्वच्छ पानी भी जमा न होने दें। बात समझ में आ गई। अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट और साधारण बात बता रहा हूँ मैं, वो ये है कि आप इन दिनों मच्छर की बहुत अधिकता हो जाती है तो अधिक से अधिक प्रयास करें कि हल्के और पूरी बाजू के कपड़े पहनने का प्रयास करें, ठीक है। अगली बात रात को सोते समय प्रयास करें कि मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें, ताकि सोने के बाद नींद में आपको मच्छर आपके पास
न पहुंच पाए और अगर मच्छरों से संपर्क आपका बच गया तो समझो बीमारियों के उत्पन्न होने से आप बच जाएंगे। तो इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए, खासतौर से इन बारिश के दिनों में जब घातक से घातक विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले मच्छर रोज पैदा हो रहे हों। कहते हैं ना कि दुनिया में दो चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, एक आतंकवाद और दूसरा मच्छर। तो मच्छर भी कम घातक नहीं है, तो इसलिए मच्छर से बचाव के उपाय आज हमने आपको बहुत सिंपल में दो तीन बातें बताई। पहला क्या बताया, स्वच्छता, सफाई। सफाई में सबसे विशेष जोर हमने किस पे दी, हाथों की सफाई पर, ठीक है। तो पहली बात क्या बताई, हाथ की सफाई, और दूसरी बात बताई हमने कहीं भी जल मतलब स्वच्छ हो चाहे गंदा हो, घर में हो या आसपास जमा न होने पाए, तो पानी को जमा होने से रोकना है, जमा नहीं होने देना है। और तीसरी बात हमने बताई, आप कहीं भी रहो मच्छर से बचाव के लिए आपको क्या करना है, सोते समय मच्छरदानी का भी प्रयोग करना है। तो आज तो हम आपको सिर्फ इन तीन बातों को बता रहे हैं, आगे आने वाली वीडियो में और बहुत सारी इम्पोर्टेंट और आपके उपयोग की मतलब की अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो इसलिए वर्तमान में इन तीन, हाथ की सफाई करें, हाथों की धुलाई, हाथों की सफाई खाने से पहले, खाने के बाद, शौच के बाद, भली भांति अच्छी प्रकार से, और फिर कहीं भी जल जमाना होने दें, चाहे आसपास, घर में, फ्रिज, कूलर, वाटर, सबका पानी बदलते रहें समय समय पे, ठीक है। और फिर तीसरी बात बताई हमने, मच्छरदानी का प्रयोग करिए ताकि मच्छरों से आप बच सकें। तो बारिश में अगर इन तीन प्राथमिक बातों पे भी आप ध्यान देते हैं तो आप खुद को भी बीमारी से बचा सकते हैं और अपने परिवार वालों को भी ये बात बताइए और जिन्हें आप प्रेम करते हैं, जो आपका ख्याल करते हैं, तो इस जानकारी को आप सभी अपने परिवार वालों को भी बताइए और इसका पालन करवाइए और बीमारियों से अपने और अपने परिवार को बचाइए। बीमारियों से अपने और अपने परिवार को बचाइए।